हेलो स्टूडेंट्स, क्वांटम मैकेनिक्स की वीडियो लेक्चर की इस सीरीज़ की पिछली क्लास में हमने बात की थी प्लांक रेडिएशन लॉ, प्लांक के विकिरण नियम को हमने डेराइव किया था। इस क्लास में हम प्लांक के विकिरण नियम की सहायता से चिरसंबद्ध भौतिकी पर आधारित कुछ नियम जैसे वीन्स रेडिएशन लॉ, वीन का विकिरण नियम, रेलेजिन्स का विकिरण नियम, वो हम डेराइव करेंगे। मतलब ये हुआ कि हम इस क्लास में प्लांक के विकिरण नियम के परिणामों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्लांक्स रेडिएशन लॉ और प्लांक लॉ, यानी प्लांक के लॉ के परिणामों के बारे में अध्ययन करेंगे हम कि प्लांक के लॉ से प्लांक का जो नियम था उस पर कुछ स्पेशल केसेस लगा के हम प्लांक के नियम से जो दूसरे नियम उनको जस्टिफाई करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रेलेजिन्स लॉ, रेलेजिन्स लॉ, रेलेजिन्स लॉ के बारे में हमने पढ़ा था कि रेलेजिन्स का जो नियम था वो केवल दीर्घ तरंग दैर्ध्य परास के लिए लागू था। तो प्लांक का जो नियम दिया था, प्लांक का विकिरण नियम, उसमें हमने ये पढ़ा था कि लेमडा व लेमडा प्लस डी लेमडा तरंग दैर्ध्य परास के मध्य स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला हमने ये दिया था, यू लेमडा डी लेमडा इज इक्वल टू एट पाई एच सी अपॉन लेमडा रेज टू 5 1 अपॉन ई रेज टू पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी माइनस 1 डी लेमडा। तरंग दैर्ध्य परास के लिए था, ऐसा ही हमने आवृत्ति परास के लिए निकाला था। तो ये है प्लांक्स रेडिएशन लॉ। इसी लॉ को हम कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रेलेजिन्स लॉ। हमें पता है रेलेजिन्स का जो नियम था वो दीर्घ तरंग दैर्ध्य परास के लिए लागू था। तो मैं लिख रहा हूं दीर्घ तरंग दैर्ध्य के लिए, तरंग दैर्ध्य को मैं बड़ा कंसिडर करूंगा, यानी ऐसा कंसिडर कर लूं कि लेमडा फार फार ग्रेटर देन एच सी अपॉन के टी एम्प्लाइज एच सी अपॉन लेमडा के टी, इसको इधर भेज दूंगा तो फार फार लेस देन 1 हो जाएगा। ये स्पेशल केस कंसिडर कर रहे हैं कि जब एच सी अपॉन लेमडा के टी की वैल्यू एक से क्या हो, बहुत ही कम। अगर ऐसा होगा, इस फॉर्मूले को हमें कन्वर्ट करना है। इस फॉर्मूले में यहाँ एक्सपोनेंशियल आ रहा है, ई रेज टू पावर आ रहा है, तो हम ये कह रहे हैं कि जो e की पावर में आ रहा है वो एक से बहुत छोटा है, इसका मतलब e का हम एक्सपेंशन करेंगे। जैसे सिंस हमें पता है e रेज टू पावर x को हम लिखते हैं 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस ऑन। अगर x की वैल्यू एक से बहुत छोटी हो तो उस केस में हायर ऑर्डर टर्म्स को हम नेगलेक्ट कर देते हैं और e रेज टू पावर x को अप्रोक्सीमेटली लिख देते हैं 1 प्लस x। ऐसा यहाँ हो रहा है, एच सी अपॉन लेमडा के टी फार फार लेस देन 1 है, हेंस ई रेज टू पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी, उसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख देंगे, 1 प्लस एच सी अपॉन लेमडा के टी। ऐसा लिखेंगे तो वो जो इक्वेशन है उसको मॉडिफाई करेंगे हम, उसका जो डिनोमिनेटर है यानी ई रेज टू पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी माइनस 1 है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसकी जगह लिख दूं 1 प्लस एच सी अपॉन लेमडा के टी और माइनस 1, यानी अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गया एच सी अपॉन लेमडा के टी। ये वहाँ पुट करूँ देर इम्प्लाइज यू लेमडा डी लेमडा कन्वर्ट हो जाएगा एट पाई एच सी अपॉन लेमडा रेज टू पावर 5
इंटू वन अपोन, इसकी जगह आ गया एच सी अपोन लेमडा के टी, एच सी अपोन लेमडा के टी, और ये हो गया डी लेमडा। एम्प्लाइज यू लेमडा डी लेमडा बन गया एट पाई, एच सी कैंसिल हो गया, ऊपर होगा के टी, नीचे हो जाएगा लेमडा की पावर फाइव है, यहाँ वन है, लेमडा रेज टू फोर डी लेमडा। यानी दीर्घ तरंग दैर्ध्य परास के लिए प्लांक का जो विकिरण नियम है या प्लांक का जो विकिरण का फॉर्मूला था वो इसमें कन्वर्ट हो गया, और ये जो फॉर्मूला है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, हमने पढ़ा था, ये रिप्रेजेंट करता है रेले जिन्स लो। तो पहला कंसिक्वेंस, पहला परिणाम यही हो गया कि दीर्घ तरंग दैर्ध्य परास के लिए प्लांक का विकिरण नियम है वो रेले जिन्स के विकिरण नियम के इक्वलेंट है, या ऐसे कह दो कि वो उसमें कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। सेकेंड कंसिक्वेंस, सेकेंड रिजल्ट हम ये देख रहे हैं कि प्लांक के विकिरण नियम की सहायता से वीन का विकिरण नियम किस प्रकार प्राप्त करें। तो सेकेंड कंसिक्वेंस हो गया वीन्स रेडिएशन लो, वीन का विकिरण नियम। अभी हमने पढ़ा है कि वीन का विकिरण नियम है वो लघु तरंग दैर्ध्य परास के लिए एप्लीकेबल है, लघु तरंग दैर्ध्य परास के लिए, लघु तरंग दैर्ध्य परास का जो केस है वहाँ हम कंसिडर करेंगे लेमडा फार फार लेस देन एच सी अपोन के टी, एम्प्लाइज लेमड़ा को इधर भेज दूँ तो एच सी अपोन लेमड़ा के टी क्या होगा, फार फार ग्रेटर देन वन। देखो एच सी अपोन लेमड़ा के टी वहाँ एक्सपोनेंशियल की पावर में आ रहा है, और हम ये कह रहे हैं कि उसकी जो वैल्यू है वो एक के कंपेरेटिवली बहुत बड़ी है। तो अगर एच सी अपॉन लेमडा के टी की वैल्यू एक के कंपेरेटिवली बहुत बड़ी है तो ई रेज टू पावर एक्स की जो वैल्यू है, या ई रेज टू पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी की वैल्यू भी एक के कंपेरेटिवली बहुत बड़ी हो जाएगी। इट मीन्स इसके कंपेरेटिवली इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है देन ई रेज टू पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी माइनस वन है, उसको अप्रोक्सीमेटली लिख देंगे ई रेज टू पावर एच सी अपोन लेमडा के टी, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, वन इसके कंपेरेटिवली बहुत छोटा है, तो अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वलेंट हो जाएगा। इट मीन्स वहाँ जो डिनोमिनेटर आ रहा है एच सी अपोन लेमडा के टी माइनस वन, उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, केवल ई रेज टू पावर एच सी अपोन लेमडा के टी। एम्प्लाइज यू लेमडा डी लेमडा जो बनेगा वो होगा एट पाई एच सी अपोन लेमडा रेज टू पावर फाइव, ये डिनोमिनेटर में आएगा, वन अपोन ई रेज टू पावर एच सी अपोन लेमडा के टी, और ये हो गया डी लेमडा। या इसको और थोड़ा सोल्व करें तो ऐसा लिख दूँ एट पाई एच सी अपोन लेमडा रेज टू फाइव ई रेज टू पावर माइनस एच सी अपोन लेमडा के टी डी लेमडा, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब ये भी मैंने बताया था कि यहाँ यू लेमडा डी लेमडा है वो लेमडा और लेमडा प्लस डी लेमडा तरंग दैर्ध्य परास के मध्य स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व है, जबकि हमने जो वीन का विकिरण नियम हमने परिभाषित किया था, उसको डिफाइन किया था, उसमें उसका जो फॉर्मूला था वो ऊर्जा घनत्व के रूप में न होकर उस फॉर्मूले को हमने लिखा था विकिरण ऊर्जा, कोई भी कृष्णिका है उसे उत्सर्जित होने वाली विकिरण ऊर्जा के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में, यानी कृष्णिका के एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में उत्सर्जित ऊर्जा, उसके बारे में वो फॉर्मूला हमने डिफाइन किया था, या उसको हम स्पेक्ट्रल उत्सर्जन क्षमता भी कह सकते हैं, सिंस स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन
समता या कृष्णिका के एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में उत्सर्जित जो ऊर्जा है तरंग दैर्ध्य परास भाई लेमड़ा व लेमड़ा प्लस डी लेमड़ा में मैं लिख रहा हूँ उसको ई लेमड़ा डी लेमड़ा लिख दूँ तरंग दैर्ध्य परास लेमड़ा व लेमड़ा प्लस डी लेमड़ा के मध्य ये तरंग दैर्ध्य परास हो गई। तो इसको जब हमने वीन का विकिरण नियम डिफाइन किया था तो वहाँ हमने ये लिखा था कि ई लेमड़ा और यू लेमड़ा किस प्रकार रिलेटेड थे, सी बाई फोर इंटू यू लेमड़ा, यहाँ डी लेमड़ा आ रहा है तो ये हो गया डी लेमड़ा। ये रिलेशन पहले हमने पढ़ा था कि स्पेक्ट्रम ही ऊर्जा घनत्व है और स्पेक्ट्रम ही उत्सर्जन क्षमता, यह कह दिया कृष्णिका की एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में उत्सर्जित ऊर्जा, उनके मध्य ये रिलेशन होता है। तो ये यू लेमड़ा की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा मैं तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो कन्वर्ट हो जाएगा ई लेमड़ा डी लेमड़ा के फॉर्म में, इम्प्लाइज बनेगा ई लेमड़ा डी लेमड़ा इज इक्वल टू एट पाई एच सी अपॉन लेमड़ा रेज टू पावर 5 ई रेज टू पावर माइनस एच सी अपॉन लेमड़ा के टी एन टू, ये हो जाएगा सी बाई फोर, तो सी बाई फोर और डी लेमड़ा यानी ई लेमड़ा डी लेमड़ा बन गया एट पाई एच सी स्क्वायर, फोर से एट को डिवाइड कर दिया तो ये हो गया टू पाई एच सी स्क्वायर अपॉन लेमड़ा रेज टू पावर 5 ई रेज टू पावर माइनस एच सी अपॉन के लेमड़ा टी और डी लेमड़ा। यहाँ ये सब कांस्टेंट है तो मैं 2 पाई एच सी स्क्वायर को एक कांस्टेंट मान लूँ C1, यहाँ एच सी और के भी कांस्टेंट है, इसको कोई नया कांस्टेंट नाम दे दूँ मैं A नाम दे दिया, एच प्लांक नियतांक, सी स्पीड ऑफ लाइट, के बोल्ट्ज़मैन नियतांक, ये वैल्यू पुट करूँ तो ई लेमड़ा डी लेमड़ा हो गया C1 अपॉन लेमड़ा रेज टू पावर 5 ई रेज टू पावर माइनस ए अपॉन लेमड़ा टी डी लेमड़ा। अब देखो ये ठीक वही फॉर्मूला है जो हमने वीन के विकिरण नियम में प्राप्त किया था, दिस इज वीन्स रेडिएशन लॉ। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि लघु तरंग दैर्ध्य परास में प्लांक का जो विकिरण नियम है वो वीन के विकिरण नियम में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस प्रकार इस क्लास में हमने ये देखा कि किस कैसे प्लांक के विकिरण नियम की सहायता से रेले जीन्स का विकिरण नियम और वीन का विकिरण नियम प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम प्लांक के विकिरण नियम के परिणाम के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ये चेक करेंगे कि प्लांक के विकिरण नियम की सहायता से किस प्रकार हम वीन का विस्थापन नियम प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार हम स्टीफन्स का नियम प्राप्त कर सकते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, धन्यवाद।